तो चलिए हम कल के लिए को सारे स्टॉक्स के ऊपर हम एनालिसिस करने वाले हैं, यानी 31 दिसंबर के लिए अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं तो उनके ऊपर हम एनालिसिस करने वाले हैं। चार स्टॉक के ऊपर हम प्रेडिक्शन करने वाले हैं कि आप कितना रुपये पे इसे बाई कर सकते हैं, कितना रुपये पे सेल कर सकते हैं, आपको इसे बाई करना है पहले या सेल करना है, उस सारे के सारे एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ हम प्रेडिक्शन करने वाला है। कल के लिए हमारा जो पहला स्टॉक होगा वो होगा IRCTC यानी इंडियन रेल टोर कॉरपोरेशन। इस स्टॉक में देखिए आपके सामने दो जोन दिखाई दे रहे हैं, पहला जोन है ये वाला और दूसरा जोन है ये नीचे वाला। तो देखिए पहला जो जोन है ये हमेशा रेजिस्टेंस की तरफ काम किए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे। तो देखिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला और मार्केट नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस मिला और मार्केट नीचे की तरफ आ गया। वही दूसरा लाइन देखिए, दूसरा लाइन ये हमेशा एक अच्छा सपोर्ट जोन की तरफ काम किया है, यहाँ से सपोर्ट मिला और मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, यहाँ से भी सपोर्ट मिला और मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। जैसे इस ऊपर जाके जाके ये जो लाइन है इस लाइन को तोड़ दिया तो उसी वक्त बहुत ऊपर चले गए। तो कल मार्केट में आपको क्या करना है, सुबह को आपको यही ध्यान रखना है कि मार्केट में होता क्या है। कल जब भी यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाते हैं और ग्रीन कैंडल बनाने के बाद जब भी इस लाइन को तोड़ के ऊपर जाता है, जैसे ही इस लाइन के ऊपर चले जाएगा तो उसी वक्त आपको इस स्टॉक को बाय करना है। आपको बाय कितना में करना है, आपको इस स्टॉक को बाय करना है 843 रुपया। जैसे इस 843 रुपये पे आएगा तभी इस स्टॉक को आपको बाय करना है और आपको जो पहला सेल का टारगेट रखना है वो कुछ इस लाइन पर, यानी 854 पर आप इसका सेल का टारगेट रख सकते हो। तो ये पहला टारगेट है, अगर इस लाइन के ऊपर भी जाते हैं तो दूसरा टारगेट रख सकते हो आप कुछ यहाँ पर, यानी 874 पर आप दूसरा टारगेट रख सकते हो। लेकिन मार्केट अगर नीचे की तरफ जाए, यहाँ पर दो अपॉर्चुनिटी है, मार्केट नीचे की तरफ भी जा सकते हैं। अगर कल को सुबह को यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ जाता है रेड कैंडल बना के और इस लाइन को तोड़ देता है, जैसे ही इस लाइन को तोड़ेगा तो उसी वक्त आपको इस स्टॉक को सेल करना है, आपको बाय नहीं करना है, आपको सेल करना है। आपको सेल कितना पे करना है, आपको इस स्टॉक को सेल करना है 827 पर। जैसा इसका प्राइस 827 आएगा उसी वक्त आप इस स्टॉक को सेल कीजिए और आपका जो पहला टारगेट होगा बाय का वो यहाँ पर होगा, यानी 808 पर आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है इस बीच में, यानी यहाँ से इस दोनों रेंज जोन के बीच में आप कुछ भी डिसीजन मत लीजिए। जब तक इस जोन को तोड़ ना दे तब तक आप किसी की तरफ का डिसीजन मत लीजिए, ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो आपको ये बहुत अच्छे तरफ से ध्यान रखना है। कल के लिए हमारा जो दूसरा स्टॉक होगा वो होगा बोल्टास। आप इस स्टॉक को देखिए, इस स्टॉक में एक अच्छा खासा जोन बन रहा है। इस जोन कभी कभी एक रेजिस्टेंस की तरफ काम किया है और कभी कभी एक सपोर्ट की तरफ काम किया है। तो देख सकते हो यहाँ पर ही मार्केट सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद ये ऊपर की तरफ चला गया और यहाँ पर भी मार्केट ने सपोर्ट ले चुके जोन पे और सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की तरफ चला गया, यानी ये कह सकते हो तो एक अच्छा खासा एक जोन है, एक सपोर्ट जोन। लेकिन यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की तरफ भी काम किया है। आप देख सकते हो यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और मार्केट नीचे की तरफ आ चुकी है और यहाँ पर भी मार्केट रेजिस्टेंस लिया नीचे की तरफ आ चुके हैं, यहाँ पर भी मार्केट नीचे रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पर नीचे की तरफ आ चुके। तो कल को आपको ध्यान ये रखना है कि मार्केट में कल क्या होता है। तो देखिए वैसे ही यहाँ पर एक डबल टॉप बना रखे, डबल टॉप का मतलब कल मार्केट ऊपर की तरफ जाने का इशारा कर रहे। तो आपको सुबह को ये आपको ध्यान रखना है कि मार्केट यहाँ से अगर एक ग्रीन कैंडल बनाते हैं, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाते हैं और ग्रीन कैंडल बनाने के बाद ये ऊपर की तरफ जाते हैं, कितना ऊपर जाते हैं, जैसे इस लाइन को तोड़ देगा। तो चलिए मैं आपको लाइन को भी ड्रॉ करके दिखाती हूँ। जैसे इस लाइन को तोड़ देगा, ये जो लाइन देख रहे हैं आप, इस लाइन जैसे तोड़ देगा, यानी यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, ग्रीन कैंडल बनाने के बाद जब भी इस लाइन को तोड़ देगा उसी वक्त आपको इस स्टॉक को बाय करना है। आपको बाय कितना में करना है, आपको इस स्टॉक को तकरीबन 1200 रुपये पर बाय करना है, यानी 1200 रुपये पर इस स्टॉक को बाय कीजिएगा और आपको जो सेल का टारगेट रखना है कुछ इस लाइन पर रखना है, यानी 1213 रुपये पर आपको इस स्टॉक को सेल करना है। लेकिन मार्केट में कल अगर यहाँ से नीचे की तरफ जाते हैं, यानी यहाँ पर एक रेड कैंडल बनाते हैं और रेड कैंडल बनाने के बाद ये मार्केट नीचे की तरफ आते हैं, तो आपको ध्यान ये रखना कि ये मार्केट कब इस लाइन को तोड़ देता है। चलिए मैं उस लाइन को भी ड्रॉ करके दिखाते हो। ये लाइन, इस लाइन को जब भी तोड़ देगा, देखिए इस लाइन, जैसे इस लाइन को तोड़ देगा, यानी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की तरफ काम किया। आप देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की तरफ काम कर सके, तो इसका मतलब जब भी नीचे की तरफ आएगा आते आते इस लाइन को तोड़ देगा
और तोड़ने के बाद ही दोस्तों आपको इस स्टॉक को सेल करना है। इस वक्त आपको बाय नहीं करना है, सबसे पहले सेल करना है। आपको सेल भी कितना पे करना है, आपको इस स्टॉक को सेल करना है 1191 रुपया या 1190 रुपया पे आपको सेल करना है। और आपको जो बाई का टारगेट रखने को इस पोजीशन पर, यानी यहाँ पर ये जो लाइन दिख रहे हैं आप, यहाँ पर आपको इससे बाई का टारगेट रखना है इस लाइन पर। इसका मतलब 1179 पर आपको इससे बाई का टारगेट रखना है। लेकिन मार्केट में कल अगर इन दोनों के बीच में ये अप डाउन होते रहते हैं, तो आप इस बीच में, दोनों के बीच में आप किसी भी तरफ का डिसीजन मत लीजिए, ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। स्टॉक होगा वो होगा प्रेस्टीज। अगर इस स्टॉक को देखिए तो इस स्टॉक पे भी एक अच्छा खासा जोन बन रहा है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, एक अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस जोन भी यहाँ पर, और कभी कभी ये सपोर्ट जोन भी है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये जो ट्रेंड लाइन है आपके सामने, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आपको ध्यान रखना है। कल का अगर मार्केट यहाँ से शुरू होते और शुरू होने के बाद एक रेड ग्रीन कैंडल बना के इस जो ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दे, यानी ट्रेंड लाइन तोड़ के इसका ऊपर की तरफ जाए, तो उस वक्त आपको इस स्टॉक को बाय करना है। आपको बाय करने के बाद ही, यानी जैसे इस लाइन को तोड़ देगा उसी वक्त आपको बाय करना है, यानी 468 पर आपको इस स्टॉक को बाय करना है। और आपको जो सेल का टारगेट रखना है उस इस लाइन पर रखना है, यानी यहाँ पर आपको पहला टारगेट रखना है इस लाइन पर, यानी 476 पर आप पहला टारगेट रख सकते हो सेल का, और दूसरा टारगेट जो रख सकते हो वो कुछ 483 का रख सकते हो। अगर कल को मार्केट यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को तोड़ नहीं तोड़ के इस रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ देता है, तो चलिए मैं वो भी दिखा दूँ आपको। अगर यहाँ से मार्केट ने यहाँ से इस नीचे का रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ देता है, तो चलिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। यहाँ से ऐसे जाके ग्रीन के रेड कैंडल बना के इस लाइन को तोड़ के इसका नीचे आ जाता है, तो उसी वक्त आपको इसे सेल करना है। आपको सेल कब करना है, और आपको तभी सेल करना है जब भी ये जो आपको सामने ये लाइन देख रहे हैं, इस लाइन के नीचे जब भी जाए, यानी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। चलिए जैसे आपके सामने ये जो लाइन देख रहा है, इस लाइन का नीचे जाएगा, यानी जैसे इस लाइन के नीचे जाए तभी आपको इसे सेल करना है। आपको बाय नहीं करना है इस क्षेत्र में, आपको सेल करना है। आपको सेल करना है 462 या 463 पर। आपको जो पहला टारगेट होगा वो कुछ इस लाइन पर होगा। आप देख सकते हो ये जो लाइन, एक छोटा सा टारगेट लेके आप चलिए इस लाइन पर, आप इसका पहला टारगेट रख सकते हो, यानी 459 पर आप पहला टारगेट रख सकते हो, यानी बाय का टारगेट रख सकते हो। लेकिन इन दोनों के बीच में आप कुछ भी मत कीजिए, यहाँ पर शायद किसी भी तरफ का रिजल्ट मिले या ना मिले, इसमें कोई किसी भी तरफ का डिफरेंस नहीं दिखाई देगा आपका। तो ये दोनों कल के लिए हमारा जो चौथा स्टॉक होगा वो होगा इंडिगो। आप इस स्टॉक को देखिए, इस स्टॉक में देखिए एक मोटा सा जोन आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये जोन जो है ये कभी कभी एक सपोर्ट जोन की तरफ काम कर रहे हैं, और कभी कभी ये एक रेजिस्टेंस जोन की तरफ काम कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसा है। यहाँ पर देखिए एक सपोर्ट जोन की तरफ काम करिए, यहाँ पर सपोर्ट लिया मार्केट ऊपर की तरफ का, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, और ऊपर की तरफ जो लाइन है ये हमेशा रेजिस्टेंस की तरफ काम किए। तो कल को आपको ये ध्यान रखना है कि मार्केट यहाँ से अगर एक ग्रीन कैंडल बनाती है, और ग्रीन कैंडल बनाने के बाद इस लाइन को तोड़ देते हैं, यानी जो रेजिस्टेंस लाइन दिख रहे हैं आप, ये हमेशा रेजिस्टेंस लाइन की तरफ काम किए। देखिए तो इस रेजिस्टेंस लाइन जैसे ही तोड़ देगा, तो तोड़ने के साथ ही साथ दोस्तों आपको इस स्टॉक को बाय करना है। आपको इस स्टॉक को बाय करना है तकरीबन इस लाइन पर, यानी 1998 या 1997 रुपये पर आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हो। और आपको जो सेल का टारगेट रख सकते हो कुछ इस प्रकार के, यानी 207 रुपये पर आप इसे पहला टारगेट रख सकते हो सेल का, और दूसरा टारगेट रख सकते हो ये 2038 रुपये पर आप सेकेंड टारगेट रख सकते हो, यानी इस लाइन पर आप सेकेंड टारगेट रख सकते हो सेल का, और इस लाइन पर आप पहला टारगेट रख सकते हो सेल का। लेकिन लेकिन कल को अगर ये मार्केट नीचे की तरफ जाते, यानी ऐसा करके इस ये जो सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन को तोड़ देता है, अगर सपोर्ट जोन को तोड़ देता है, तो आप जो है इस मार्केट नीचे की तरफ का जाएगा, और नीचे की तरफ कितना जाएगा, आपको इसे इसकी तरफ जैसे ही इस सपोर्ट जोन तोड़ दे उसी वक्त आपको इसे सेल करना है। सेल करने के बाद ही दोस्तों आपको जो बाय का टारगेट रखना है कुछ इस प्रकार के, यानी 1981 रुपये पर आपको बाय का टारगेट रखना है। ये जो टारगेट देख रहा है इसी पर आपको बाय का टारगेट रखना है, यानी सबसे पहले यहाँ पर आपको सेल करना है जैसे इस लाइन तोड़ देगा, और यहाँ पर आपको इसे बाय करना है।